बांग्लादेश से हमारे मसाले एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं और मसाले में गुजरात से ज्यादा जीरू जो मेथी आती है, अपना ऑयल सीड, सीसम सीड है, ये सब बूल है, वो ज्यादा जा रहा है। तो ये 10-12 दिन से जो हालत बिगड़ गई है वहां पे, सत्ता परिवर्तन हुआ है समझ लो, तो अभी वहां पे बैंक भी बंद है, पोर्ट भी क्लियरेंस बंद है, तो हमारा व्यापार पूरा भी ठप हो गया है। आगे नई गवर्नमेंट आएगी, क्या पॉलिसी लाएगी और किस तरह व्यापार होगा वो भी हम लोग अभी उसमें कंफ्यूज है, वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है। कितना व्यापार होता था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, और खासकर गुजरात को कितना फटका पड़ेगा ये हालात को लेकर? गुजरात में मसाले में उद्योग की बात करूं तो करीबन 300 से 500 करोड़ का अपना व्यापार है मसाले का बांग्लादेश के साथ। फिलहाल हमारा व्यापार करीबन 5 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा था, बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा बायर है, मगर ये व्यापार में अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे, और जो हमारा बायर है बांग्लादेश के वो भी हमें बोल रहे कि वी नॉट नीड अभी कंटिन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी फिलहाल तो लगता है 300-400 करोड़ का अपना व्यापार है, वो अभी आगे तो कैसे होगा वो तो आगे स्थिति सामान्य होगी तो आगे पता चलेगा। ये बात तो हुई, ये गुजरात से क्या जाता था ये बात थी, वहां से क्या आता था तो उसको लेकर दाम किस प्रकार था अभी असल देखो? देखो पहली बात तो ये देखो कि इंडिया का जो बांग्लादेश का व्यापार है वो करीबन 16 बिलियन का व्यापार है, इनमें से हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा सरप्लस है, सरप्लस ट्रेड है उनके साथ। और आपका जो क्वेश्चन है कि क्या इम्पोर्ट हम लोग करते थे, तो हमारा इम्पोर्ट ज्यादा जूट बैग्स, वुवन बैग्स आती है, उसमें हमारा फीस में उसमें हमारा ज्यादा इम्पोर्ट हमारा बांग्लादेश से होता है। तो अभी वो और जो बाकी जो टेक्सटाइल्स का जो मटेरियल्स है, यान फैब्रिक्स है, वो सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्ट होता था, तो ये तो अभी आना भी बंद हो जाएगा। तो वुवन बैग्स, फैब्रिक्स और जो जूट बैग्स है, जो जूट बोलते हैं, उसकी में थोड़ा शॉर्टेज की संभावना है। बात करी आपने 16 बिलियन व्यापार की, तो उसमें से बांग्लादेश मतलब एक्सपोर्ट कितना होते थे और इम्पोर्ट कितना? 16 बिलियन व्यापार में हमारा 13-14 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, 2 बिलियन का हमारा इम्पोर्ट है। तो ये जो पूरा 14 बिलियन मतलब ये पूरा मतलब हाँ हमारा बांग्लादेश फिफ्थ हमारा कंट्री है, पार्टनर है जो सरप्लस ट्रेड करता है हमारे साथ, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इम्पोर्ट करते हैं, तो दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री।